मैथ्स फिजिक्स और मोटिवेशन पे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऑप्शन अगर मिलता है तो उसमें ऑल करके ओके करिए। हाय दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है ना एग्जामिनेशन पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के लिए जरूर तैयार करके जाइए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, और उसकी वैल्यू प्रूफ करनी 1/16। इसी तरह के कई क्वेश्चंस, तीन चार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सारे एक जैसे डालूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो मैं एक डाल रहा हूं, बाकी करने का प्रोसेस मोर और लेस यही होगा, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, करके देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80 लिखा हुआ है। यहां पर हमें कॉस 60 की वैल्यू मालूम है, कॉस 60 1/2 होता है, तो कॉस 60 को पहले लिख लिया और कॉस 20 और 40 और कॉस 80 को रहने दिया। अब कॉस 60 की वैल्यू देखिए 1/2 यहां पर हमने पुट कर दी, इनका हमने पेयर बना लिया कॉस 20 एंड कॉस 40 का, और हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उम्मीद है आपको याद भी होगा, 2 cos A × cos B इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, लेकिन ये 2 तो है नहीं हमारे पास, देखिए ये 2 नहीं है, तो इस 2 को लाने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर नीचे हो गया 4, और ये जो 2 बचा ये इसके साथ चला गया 2 cos A × cos B। अब इसमें हम आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। जैसा फॉर्मूला आपके सामने है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी में कॉस 20 प्लस 40, कॉस ए माइनस बी में 20 माइनस 40 एंड कॉस 80, ठीक है। अब कॉस 60 हो गया ये, और ये 20 माइनस 40 कॉस माइनस 20 हो गया। हमको ये पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस माइनस 20 का कोई भी फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। अब ये हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू हमको मालूम है, वो हाफ कॉस माइनस 20 को हम लिख सकते हैं कॉस 20 डिग्री, और कॉस 80 दो में साथ चल ही रहा है। अब इस कॉस 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हाफ इंटू कॉस 80 प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 80। अब यहां पे फिर हम कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और ये हाफ कॉस 80 था, इसको भी छेड़ेंगे नहीं, पड़े रहने देते हैं। अब यहां पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, 2 cos A × cos B का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। चलिए अप्लाई कर देते हैं हम लोग फिर से दोबारा कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। तो ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा जो सिस्टम था एज इट इज आ गया, और ये 1/2, और यहां हमने 2 cos A × cos B का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी जैसा ऊपर लगाया था। अब ये चीज बन गई, कॉस ए प्लस बी हो गया कॉस 100 डिग्री, और कॉस 20 माइनस 60 बन गया कॉस माइनस 60 बनेगा, माइनस का कोई मतलब नहीं, इसलिए कॉस 60 हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां वैल्यू आने के बाद यहां पर हमने, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन फंसा रहेगा। कॉस 100 को हम लिख लेंगे कॉस 180 माइनस 80, 180 में 80 घटाएंगे 100 आ जाएगा, ये लिखना बहुत जरूरी। फिर कॉस 60, अब हम कॉस 180 माइनस थीटा यहां से हम जानते हैं ना, ये देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है ना कॉस 180 माइनस थीटा, ये क्या में तब्दील हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस 80 में, और दूसरा तो कॉस 60 है ही, ठीक है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आगे हम बढ़ते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हम आगे बढ़े और यहां पर जब पहुंचे ना, तो ये देखिए हाफ कॉस 80 यहां पे लिखा रहने दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस हाफ कॉस 80 प्लस 1/2 cos 60। अब ये माइनस प्लस आ गया देखिए ना, इसीलिए ऐसा हमने ऊपर वाले स्टेप में चेंज किया था। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, केवल 1/4 बाहर वाला, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में 1/2 इसका, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती ही है, तो ये अभी ये हो गया 1/4 × 1/4, और ये बन गया 1/16, और ये हमारा सवाल प्रूव हो गया। तो जो सवाल दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, उसको हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिया। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सवालों को सीखिएगा, ये करीबन 3-4 सवाल 5 सवाल ऐसे बनते हैं, कोई ना कोई अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो मैं सेम तरह के सवाल लगाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले भी बोला था। तो इस तरीके के सवाल का फॉर्मेट करने का तरीका आप पहचान लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, एक बात मैं जरूर आपसे बोलूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और
दूसरों को शेयर भी करें जिससे उनकी भी मदद हो, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें दूसरों को शेयर करने में। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको फर्दर वीडियो किस तरह के चाहिए, क्या ये सीरीज पसंद आ रही है, ऐसे क्वेश्चंस तो मैं बनाता रहूंगा। ठीक है ना, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।